वेल सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे हो गए मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो so, दोस्तों चलिए आज का सेशन जो है हमारा मिशन संभव इसका टॉपिक रिवाइज करेंगे जी एस टी वैल्यू ऑफ सप्लाई दोस्तों आपको ये बता दूँ कि मिशन संभव ये कंप्लीटली फ्री फास्ट ट्रैक फ्री यहाँ पे चैप्टर वाइज चार्ट रिविजन में आपको दे रहा हूँ और ये पूरा मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ मिशन संभव रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली आपके लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपने फ़ायदा लेना है मैं फिर से कहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना है और अगर आपको रिवीजन अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है और आपके कमेंट्स जरूर देना है आपकी कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते रहेगी तो दोस्तों यहाँ पे जी का चैप्टर आज हम देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है मैं ऑलरेडी जो है लेक्चर नंबर टू जीरो टू में उसमें सेक्शन फिफ्टीन पढ़ा चुका हूँ लेकिन जीरो थ्री ए में जो है लेक्चर में यहाँ पे लेक्चर जीरो थ्री ए में यहाँ मैं आपको बता दूं कि उसमें कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर था वैल्यू ऑफ सप्लाई वो थोड़ा खराब हो गया उसका साउंड ब्रेक हो रहा था इसलिए मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई पहले दे दिया और अब बचा हुआ पोर्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई हम लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है और उसको ये जानना है कि मिशन संभव और आई चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन के लिए कैसे सब्सक्राइब करना है तो मेरा लेक्चर जीरो वन देखिएगा तो मेरा जो पहला लेक्चर है पहले लेक्चर में मैंने आपको सब बताया कि किस तरह से सब्सक्राइब करना है आपको और डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखिएगा सारा मटेरियल आपको कैसे मिलेगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ओके ये टॉपिक जी वैल्यू ऑफ सप्लाई दो मिनट के लिए एक फास्ट ब्रशअप कर लेते हैं सेक्शन फिफ्टीन वन वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन फिफ्टीन वन फिफ्टीन टू फिफ्टीन थ्री फिफ्टीन वन में आपकी वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू ली जाएगी दो कंडीशन होनी चाहिए एक्चुअल प्राइस के लिए नॉट रिलेटेड एंड प्राइज सोल कंसिडरेशन जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको सारे टैक्सेस ऐड कर देने हैंसेप्ट जी एस जीएसटी छोड़ के सारे टैक्सेस ऐड कर देने थर्ड पार्टी पेमेंट थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब क्या अगर सप्लायर की लाइबिलिटी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइबिलिटी सप्लायर की होगी और बायर ने इनकर्ड किया है और बायर ने डायरेक्ट थर्ड पार्टी को पे किया है वो अमाउंट दैट शुड बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लायर सप्लायर के वैल्यू में वो एड कर दिया जाएगा उसके बाद में थर्ड अगर हम देखें तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वॉट एवर सप्लायर चार्ज एक्स्ट्रा टू द Uh, buyer in his invoice, it may be for packing, it may be for commission, it may be for royalty, insurance, dharmada, weighing charges, loading charges, freight charges, erection charges, free delivery inspection charges, whatever charge or whatever anything done that should be added in transaction value. इंटरेस्ट लेट फी और पेनॉल्टी जो डिले पेमेंट ऑफ कंसिड्रेशन का होगा वो ऐड किया जाएगा ओके okay, उसकी इंटरेस्ट जो है नॉर्मली इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा इसका टी इसका जीएसटी जो है इवन दो वो वैल्यू में ऐड होता है पर इसका टी उस मंथ में आएगा जो मंथ में ये एक्चुअली रिसीव होगा एज पर सेक्शन ट्वेल्व सिक्स और थर्टीन सिक्स जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का था उसके बाद में रेट जो है तो ओरिजिनल सप्लाई का जो रेट होगा वो रेट लिया जाएगा एंड देन ओके बात करें हम तो सब्सिडी तो सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की सब्सिडी कोई भी हो लिंक टू द प्राइस हो लमसम हो गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं होगी ओके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं होगी फॉर यूनियन टेरिटरी ऑल्सो लेकिन सब्सिडी बाय अदर देन गवर्नमेंट होगा और लिंक टू द प्राइस होगा तो ही ऐड किया जाएगा लिंक टू द प्राइस होगा तो ही ऐड किया जाएगा मतलब वो प्राइस बेस्ड सब्सिडी अगर आपको मिलती है तो वो वैल्यू में ऐड होगा सब्सिडी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए केयरफुली देखना ओके okay, अगर प्राइस आपको दी गई और ऑलरेडी दैट प्राइस इंक्लूड सब्सिडी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से है तो इंक्लूड प्राइज में ऑलरेडी सब्सिडी इंक्लूड होगी तो कंसिडर्ड होगी तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है ओके okay, वो डिडक्ट नहीं करना है और आपको ये दिया गया है कि गिवन प्राइस इज़ आफ्टर सब्सिडी आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा ओके okay, उसके बाद में डिस्काउंट okay, का डिस्काउंट ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडिट नोट ओके कौन सी तीन कंडीशन पहले से अग्रीड चाहिए कोई भी नाम हो पहले से अग्रीड चाहिए इट मे बी कैश डिस्काउंट इट मे बी टर्न ऑफ डिस्काउंट एंड डिस्काउंट पहले से अग्रीड चाहिए एंड देकेंड यहाँ पे इनवाइस वाइज करस्पॉन्डिंग वर्कआउट होना चाहिए और तीसरा जो है ओके okay, रिसिपियन ने उसका आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए तो यस yes, आपको डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा ओके okay, पर अगर वो एग्रीड नहीं होगा तो डिस्काउंट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे स्टैगर डिस्काउंट क्या अलग अलग कस्टमर्स को हम अलग अलग डिस्काउंट दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेस ऑन क्वांटिटी बेस ऑन कस्टमर दे सकते हैं उसके बाद में ईयर एंड डिस्काउंट वॉल्यूम डिस्काउंट अगर अग्रीड हो गए इवन दो नॉट क्वान्टिफाइड पर ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हो गए और अग्रीड गए तो डेफिनेटली आप इसका बेनिफिट दे सकते हो ठीक है एंड नेक्स्ट बेटा यहाँ पे सेकेंडरी डिस्काउंट जनरली अग्रीड नहीं होते जनरली अग्रीड नहीं होते हैं वो नाम ही है सेकेंडरी मतलब वो बाद में दिए जाते हैं नॉट अग्रीड इसलिए सेक्शन फिफ्टीन थ्री की कंडीशन फुलफिल नहीं होती और वो एड नहीं होते चलिए ओके हमने ये देखा था मैंने ब्रश अप करवा लिया मजा आया होगा तो क्या कर रहे हो लाइक like कर दो ठीक है तो चलिए नीचे सर्क्युलर है सर्कुलर, सर्कुलर में एंडिंग में ले लूंगा सारे सर्कुलर्स पहले मैं आपको जो है रूल समझा देता हूं ओके और यहाँ पे रूल जो है कवर कर लेंगे अब मैं आपको एक बात बता दू ओके okay, यहाँ पे अगर सेक्शन फिफ्टीन फाइव में आई रिपीट सेक्शन फिफ्टीन फाइव में आपको आपके चार्ट में ऐसा दिखता है रूल थर्टी वन ए उसके बाद में थर्टी वन बी और उसके बाद में थर्टी वन सी ओके अगर ये एडेड है तो फिर आपका चार्ट जो है ये अपडेटेड चार्ट है मेरे टीम से थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई इसके अलावा दूसरी कोई मिस्टेक नहीं आपके लॉगिन में जो मैंने चार्ट दिया है ओके okay, गलती से ये जो चार्ट है वो यहाँ पे शायद वो लास्ट बैच का अपडेट हो गया था स्पेशली इस चैप्टर का तो मैंने फिर से रीअपडेट कर दिया है तो रिग्रेट फॉर इनकन्वीनियंस मैं इतना कहूँगा कि पर ओके okay, अगर ये वाला इसमें ये सेक्शन हो गया तो वो चार्ट मैंने अपडेट कर दिया है इसका प्लीज़ प्रिंट आउट ले लेना ओके okay, अगर आपने तो एक बार ये चेक कर लेना कि ये वाला जो चार्ट है ओके okay, इसमें ये तीन सेक्शंस आपके एडिट होने चाहिए ठीक है ओके okay. तो अब थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं तो हमने जो देखा सेक्शन 15 वन फिफ्टीन टू एंड फिफ्टीन थ्री देखा अब बेटा यहाँ पे ओके देखते हैं सेक्शन फिफ्टीन फोर ओके देखते हैं सेक्शन फिफ्टीन फोर फिफ्टीन फोर जो है क्या कहता है सुनो फिफ्टीन फोर कहता है इफ़ वैल्यू कैनॉट बी डिटरमाइन अंडर सेक्शन फिफ्टीन वन फिफ्टीन वन में वैल्यू कब डिटरमाइन नहीं हो सकती है जब ट्रांजेक्शन वैल्यू ही नहीं है मतलब सेल ही नहीं है ओके शेड्यूल वन के सप्लाई हो सकते हैं सेल ही नहीं शेड्यूल वन के परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट हो या फिर uh, uh, जहाँ तक देखा जाए uh, आपका पैरा टू रिलेटेड पार्टी हो डीडीपी uh, हो प्रिंसिपल एजेंट हो जहाँ सेल नहीं है स्टॉक ट्रांसफर है या फिर टोटली अदर देन मनी कंसिडरेशन है टोटली अदर देन मनी कंसिडरेशन तब या फिर सेकंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो या अदर कंसिडरेशन हो तो ऐसे केस में वैल्यूएशन आपका फिफ्टीन वन से पॉसिबल नहीं है फिफ्टीन टू थ्री तो तब लगते हैं जब आपकी टीवी एक्सेप्ट हो गई टीवी एक्सेप्ट हुई होगी तो सेक्शन अगर हम बात करें तो फिर यहां पे ओके okay, अगर आपकी टीवी एक्सेप्ट हो जाती है जस्ट मिनट एक मिनट बेटा आपकी अगर टीवी एक्सेप्ट हो जाती है जस्ट मिनट जस्ट मिनट हाँ तो देखिए जैसे आपकी टीवी एक्सेप्ट हो जाती है तो वो सिचुएशन में सेक्शन फिफ्टीन टू और सेक्शन फिफ्टीन थ्री आपका लगेगा ठीक है देन तो ये हमने देखा सर्कुलर हम बाद में देखते हैं तो फिफ्टीन फोर कहता है कि यहाँ पे सप्लाई विदाउट प्राइस है रिलेटेड पार्टी विदाउट कंसिडरेशन तो वो केस में वैल्यूएशन रूल से होगा रूल ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन पहला पॉइंट ये रूल्स बहुत ईजी है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन ईयर में दिए हैं वो क्वेश्चन आप ओके okay, uh, कुछ क्वेश्चन रीड कर लेना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना ओके okay, तो आपके कंफर्ट के हिसाब से जो एग्जाम के क्वेश्चन है आर के क्वेश्चन है वो आपने सोल्व करके देखना सॉल्विंग पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो रूल ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी ये तीन रूल एक साथ दिए है चलो ये रूल को समझ लो रूल 27 कब अपील होता है रूल 27 तब अप्लीकेबल होता है व्हेन कंसीडरेशन नॉट वो इन मनी मतलब क्या मतलब कंसीडरेशन है सुनना कंसीडरेशन है पर मनी में नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट ने अगर कोई बिल्डर को कंस्ट्रक्शन करके दिया है और उसके अगेंस्ट में एक फ्लैट रख लिया तो सप्लाई देर बट कंसिडरेशन टोटली इन काइंड एक्ट या फॉरब्यूलेंस मनी में कुछ भी नहीं है नॉट ओनली इन मनी ओके वेन कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी नॉट ओनली और पार्ट लीजिए एक वर्ड एड कर दो नॉट ओनली और पार्टली इन मनी ओके तो नॉट ओनली और पार्टली इन मनी ठीक है ये एड कर देना शायद अगर आपके चार्ट में अपडेटेड होगा तो अच्छी बात है तो ऐसे केस में ए, ए जो है ओपन मार्केट वैल्यू आपका लिया जाएगा ठीक okay. है तो अब ओपन मार्केट वैल्यू का डेफिनेशन जो है ओके ओपन मार्केट वैल्यू का डेफिनेशन मतलब की यहाँ पे आ, बहुत सिंपल वे में याद रखना की सिमिलर एग्जैक्टली सेम गुड्स एट अर अबाउट द सेम टाइम एक्जैक्टली सेम गुड जो है एट अर अबाउट द सेम टाइम फॉर कंसिडरेशन आप सेल कर रहे हो ओके okay, वो आपकी ओपन मार्केट वैल्यू ली जाएगी तो ओपन मार्केट वैल्यू एग्जैक्टली सेम गुड्स आप सेल कर रहे हो या मार्केट में सेल हो रहा है एट द सेम टाइम ओके जब आपका सप्लाई हुआ है तो वो उसकी मार्केट वैल्यू लिया जाएगा तो सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू जैसा आर्किटेक्ट सर्विस की बात करें तो आर्किटेक्ट सर्विस का ऐसा ही प्रोजेक्ट वो एग्जैक्टली exactly दूसरा करता है क्या वो अवेलेबल है अगर अवेलेबल है तो वो वैल्यू लिया जाएगा दूसरा इफ़ नॉट अवेलेबल अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू इक्वल्स टू कंसिडरेशन इन मनी अगर कुछ मनी में मिला होगा समझ लो आपका कंसिडरेशन पार्टली मनी में है और पार्टली अदर है तो कंसिडरेशन इन मनी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द देशन नॉट इन मनी तो समझ लो एग्जाम्पल लेते हैं आर्किटेक्ट का आर्किटेक्ट को जो अपने सर्विस के अगेंस्ट मिला वो फ्लैट मिला तो फ्लैट जो है वो टोटली totally अदर मिला अगर आपको फ्लैट जो मिला और वो टोटली totally अदर मिला तो वो सिचुएशन में यहाँ पे मनी में जीरो होगा और जो कंसीडरेशन मिला फ्लैट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी वो बिल्डर से ली जाएगी और वो फेयर मार्केट वैल्यू पे असेसमेंट किया जाएगा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कंसिड्रेशन पार्टली मनी में पार्टली अदर में है तो भी ये रूल ट्वेंटी सेवन लगेगा और रूल ट्वेंटी सेवन के हिसाब से मनी में जो मिला ओके प्लस ओके हो सकता है पार्टली मनी में मिला होगा और पार्टली अदर मिला होगा आप मोबाइल सेल कर रहे हो तो मोबाइल सेल करते वक्त आपको पुराना मोबाइल मिला तो आपको आधा मनी में मिला आधा कुछ अमाउंट आपको कुछ कंसिड्रेशन पुराने मोबाइल में मिला एक ज्वेलर्स की शॉप है पुरानी ओल्ड ज्वेलरी मिली तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो जो भी अदर कंसिडरेशन मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऐड होगी और आपकी वैल्यू निकाली जाएगी ओके okay, अब ये कब होगा बी कब अप्लाई होगा इफ ए इज नॉट पॉसिबल मतलब ओपन मार्केट वैल्यू अगर डिटरमाइन नहीं हो पा रही है तो वो केस में बी अप्लाई किया जाएगा अब सी देखो क्या कहता है सी इफ ए एंड बी नॉट डिटरमाइनेबल अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलता पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू मतलब हमें क्या मिला फ्लैट वगैरह वो नहीं देखेंगे इसी तरह का आर्किटेक्ट सर्विस किसी और को दिया जाता या फिर मैं मोबाइल बेच रहा हूँ और पुराना मोबाइल ले रहा हूँ तो वो जाने तो पुराना मोबाइल इस यही मोबाइल दूसरे कोई कस्टमर या कोई शॉप में एग्जैक्टली सेम मॉडल का मोबाइल बेचा जाता तो वो क्या हो गया वो नहीं मिल रहा है तो फिर ठीक है जो आपको मनी में मिला प्लस जो अदर मिला उसकी फेयर वैल्यू तीसरा क्या तीसरा वो कहते हैं ओके ए एन बी नॉट देन वैल्यू ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी अब लाइक काइंड और क्वालिटी मतलब क्या तो सिमिलर टाइप जो सेम कैरेक्टर ओके यहाँ रेपुटेशन लाइक कैरेक्टर रेपुटेशन फंक्शंस या सेम सर्विसेज टाइप होगी सिमिलर रिजिम्बलेंस सेम है तो पहले ओपन मार्केट वैल्यू में क्या है ओपन मार्केट वैल्यू में एक्जैक्टली exactly वही होना चाहिए तो यहाँ लाइक काइंड और क्वालिटी अगर हम देखें तो लाइक like काइंड और क्वालिटी में एग्जैक्टली exactly वो नहीं होगा पर सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स होगा या सर्विस होगा तो उसकी वैल्यू लो और चलो ए बी सी अगर तीनों भी पॉसिबल नहीं हुआ तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए आपको वैल्यूएशन रूल थर्टी एंड थर्टी का मतलब क्या होता है कि पहले रूल थर्टी लगा और थर्टी पॉसिबल नहीं हुआ तो वो केस में थर्टी वन लगा तो इस ऑर्डर में आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा ये रूल ट्वेंटी सेवन कहता है उसके बाद में रूल ट्वेंटी एट क्या कहता है चलो ये 27 हो गया तो ट्वेंटी सेवन में चार मेथड दिए चलो मेरे साथ लर्न करो कौन से चार मेथड दिए पहली बात तो रूल ट्वेंटी सेवन कब लगाना है जब इज देयर है बोलो जोर से मेरे साथ कंसिडरेशन इज देयर बट कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी और पार्टली इन मनी हाँ अगर आपके ट्रांजेक्शन जो है कंसिडरेशन ही नहीं है जैसे शेड्यूल वन के ट्रांजेक्शन कंसिडरेशन ही नहीं है तो ट्वेंटी सेवन नहीं लगेगा चेड़ो, ये कब लगता है जब कंसिडरेशन अदरवाइज में होगा एक्ट में होगा फॉर्मेंस में होगा तब 27 लगेगा ओके आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो इसमें चार मेथड दी गई है पहला ओपन मार्केट वैल्यू दूसरा अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही है तो जो मनी में मिला प्लस अदर मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या फिर थर्ड जो है ओके okay, यहाँ पे लाइक like काइंड और क्वालिटी और चौथा रूल थर्टी थर्टी तो इस तरह से रूल ट्वेंटी हमारा हो गया तो ये रूल ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी का जन्म जो होता है इसका जन्म सेक्शन फिफ्टीन फोर से

जो है दो ही केस में अप्लीकेबल होगा कौन से दो केस में अप्लीकेबल होगा भाई ओके okay, तो पहला जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गए और दूसरा डीडीपी हो गया अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर होते हैं वो केस में प्राइस होगी नहीं होगी उससे कंसर्न नहीं ओके okay, रिलेटेड हुआ कि आप डायरेक्ट रूल 28 में आने का फिर उसमें टीवी होगी नहीं होगी उससे कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट 28 एट या डी डी पी ट्रांसफर ओके स्टॉक ट्रांसफर वगैरह होता है तो वो ट्रांजेक्शन में ट्वेंटी लगता है ट्वेंटी आपको तीन मेथड देता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 27 एंड 28? 27 में आपको चार मेथड मिलती है और 27 में आपको ए बी और सी मिलता है ए क्या कहता है ए कहता है ओपन मार्केट वैल्यू ली जाएगी अगर आप सुनिएगा ओपन मार्केट वैल्यू ली जाएगी अगर ओपन मार्केट वैल्यू जो है ओके वो नहीं मिल रहा है ए इज़ नॉट अवेलेबल देन लाइक काइंड और क्वालिटी लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखते हो तो रूल 28 में ओके okay, डीडीपी हुआ या रिलेटेड पर्सन हुआ तो यहाँ उन्होंने डायरेक्ट लाइट करोगे तो कंपेयर क्या होगा यहां पे जो सेकंड वाला मेथड है वो यूज नहीं किया मतलब मनी प्लस अदरवाइज का फेयर मार्केट वैल्यू ले लो वो मेथड यहाँ पे इन्होंने यूज नहीं किया है दोस्तों तो ऐसे सिचुएशन में लाइक like काइन और क्वालिटी डायरेक्ट ले लिया जाएगा और अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है लाइक like काइन और क्वालिटी तो देन ओके ए एंड बी नॉट डिटरमाइनेबल रूल थर्टी थर्टी वन इन Order लगेगा. तो चलो मेरे साथ एक बार फिर से रिवाइज करो ओपन मार्केट वैल्यू ले, ले लेंगे अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो वैल्यू लाइक काइन और क्वालिटी ले लेंगे और वो नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट रूल थर्टी थर्टी वन मतलब क्या समझ लो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है डीडीपी -दि को आपने कोई गुड्स ट्रांसफर कर दिया लेट्स एक ले एक्साम्पल ले ये कैलकुलेटर ट्रांसफर हो रहा है स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर वैल्युएशन कैसा होगा इसका जो मार्केट प्राइस मेरे शॉप से जा रहा है मेरे फैक्ट्री से जा रहा है वो या कोई दूसरा सेम सेम कंपनी का कैलकुलेटर uh, बेच रहा है उसकी क्या मार्केट प्राइस है okay, ओके यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू क्या है वो ले लो अगर वो यहाँ पे आपका ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो मिलता है तो ठीक है नहीं तो फिर ये समझ लो यहाँ पे और औरपैड का है कोई सिटीजन का कैलकुलेटर लाइक और क्वालिटी जहाँ सेम कैरेक्टरिस्टिक सेम क्वालिटी रिपोटेशन लेवल भी सेम होगा तो उसकी प्राइजेस ले लो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर वो सिचुएशन में थर्टी थर्टी वन नीचे लगाएंगे। पर मैं आपको सच बताऊँ क्या उन्होंने जो है यहाँ पे ओके ये क्लॉज ए और बी से ज़्यादा जब भी क्वेश्चन पूछे है रूल ट्वेंटी एट में तो ये प्रोविजन वन और प्रोविजन टू में उन्होंने सवाल पूछे हैं। ओके तो प्रोविज़ो वन प्रोविजन टू में यहाँ पे सवाल क्या पूछे हैं थोड़े इंपॉर्टेंट है मैं समझा देता हूँ ओके यहाँ पे

जो मैं डीडीपी को दे रहा हूँ समझ लो आप रिलेटेड पर्सन हो और मैं आपको कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ या मैं आपको कोई सर्विस ट्रांसफर कर रहा हूँ ठीक है तो मेरा स्टॉक ट्रांसफ़र आप डीडीपी हो स्टॉक ट्रांसफर या रिलेटेड उस, उस पर जीएसटी आ जाएगा ओके okay, अब जीएसटी जो आएगा तो यहाँ पे सेक्शन सॉरी रूल ट्वेंटी से वैल्यूएशन होगा तो आप हुए रिसिपियन अब वो लॉ क्या कहता है आपने आगे सुनना आपने आगे जो है एज सच फर्दर सप्लाई कर रहे हो आप बेच रहे हो माल मतलब मतलब मैं वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं डीडीपी को शिफ्ट कर रहा हूँ रिलेटेड को शिफ्ट कर रहा हूँ और आप आगे इसको बेचने वाले हो फर्दर सप्लाई करने वाले हो एज सच उसके ऊपर कोई प्रोसेस करने वाले नहीं हो तो वो सिचुएशन में आप जो प्राइस में बेचोगे ओके okay, तो उसका नाइन्टी परसेंट ओके ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू इज अनरिलेटेड कस्टमर उसकी नाइन्टी परसेंट प्राइस ले ली जाएगी मतलब आपका जो Okay, वहां की प्राइस जो चालू है समझ लो मैं यहां से गुजरात बेच रहा हूं तो गुजरात में जो प्राइस चालू होगी जो प्राइस पे बेचा जा रहा होगा उसका नाइन्टी परसेंट वैल्यू यहाँ कंसिडर कर लिया जाएगा ओके okay, ये था पर इसमें कंडीशन है कि ये जो इफ फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स कर देना यहाँ पे ऑफ गुड्स ये ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा ऑफ गुड्स फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ मतलब ये जो प्रोविजो वन है वो सिर्फ यहाँ पे गुड्स को अपलीकेबल है सर्विस को अपलिकेबल नहीं है तो फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स यहां पे इंपॉर्टेंट हुआ और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या हुई दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये यह हुई कि आपके रिसिपियंट ने एज सच उसको बेचना चाहिए तो फिर आपके पास नाइन्टी वाला ऑप्शन है तो आप स्टॉक ट्रांसफर या रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर का वैल्यूएशन उसकी जो आगे वाली प्राइस है उसके नाइनटी परसेंट पे कर सकते हो प्रोविजो टू और प्रोविजो टू तो इंपॉर्टेंट है फेवरेट है और स्पेशली रूल ट्वेंटी

कि अगर रिसिपियंट इज इलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, अगर तुम्हारे रिसिपियंट को कोई आई की रिस्ट्रिक्शन नहीं है अब आई की रिस्ट्रिक्शन नहीं मतलब वो कोई एग्जाम सप्लाई नहीं कर रहा है नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है उसको कोई आई टी सी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर आप जितना प्राइस डिक्लेयर करोगे इनवॉइस वॉइस में सुनना मेरी बात आप जितना प्राइस डिक्लेयर करोगे इनवॉइस में उतनी वैल्यू ओएमी मानी जाएगी और उतनी वैल्यू ओ मानी जाएगी ओके तो आपका ओपन मार्केट वैल्यू उतने पर वेरी वेरी रिलैक्सेशन क्लॉज ओके इन रूल ट्वेंटी है कि अगर आप जो है ओके okay, जाने दो ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड अगर आप कोई एक हजार एक लाख का गुड्स है और में टेन थाउजेंड भी चार्ज करते हो तो वॉट एवर यू डिक्लेयर भाई वॉट एवर यू डिक्लेयर इन द ओके वो वैल्यू ले लिया जाएगा और अभी तो सीबीआईसी सर्कुलर अगर आपने अमेंडमेंट देखा होगा तो सीबीआईसी सर्कुलर में ये क्लियर कहा गया है ओके okay, कि अगर नील वैल्यू भी डिक्लेयर होती है तो नील भी ले लिया जाएगा भाई साहब हाँ नील वैल्यू होगी तो नील भी ले लिया जाएगा अगर मजा आया होगा तो ठोको लाइक तो ये था रिगार्डिंग टू ओके प्रोविजो टू ओके okay, तो यहां पे उसके बाद में नेक्स्ट इफ कॉरपोरेट गारंटी सर्विस हाँ ये ऐड हुआ है ये इंपॉर्टेंट है ये ऐड हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है इफ कॉरपोरेट गारंटी सर्विस इज प्रोवाइडेड टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑन द बी ऑफ ऑफ हु इज रिलेटेड पर्सन द वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई जिस्ट मिनट हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज वन ऑफ गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन विच हायर ये भाई साहब एक इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ठीक है सिंपल है कुछ इसमें इसमें कोई क्रिटिकल नहीं है uh, पहली बात तो वो बात कर रहे हैं कॉरपोरेट गारंटी कॉरपोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड टू बैंक और एफ आई ऑन द बी ऑफ ऑफ रिसिपियट हु इज अ रिलेटेड पर्सन मतलब अगर ए, दो कंपनी रिलेटेड है और एक कंपनी जो है फाइनेंस के लिए दूसरे कंपनी का कॉरपोरेट गारंटी ले रहा है जैसे जनरली दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा होता है ओके अब मेरी ले लो ना ओके स्मार्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड मेरा होल्डिंग कंपनी है और वी स्मार्ट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड मेरा सब्सिडरी कंपनी है वी स्मार्ट प्रिंट मीडिया और मेरा एक सब्सिडरी कंपनी है तो बहुत सी बार अब मैं अगर वी स्मार्ट पब्लिकेशन का लोन ले रहा हूँ तो एड्यू स्मार्ट गार बैंक मांगते हैं कि भाई मेन कंपनी गारंटी दे, देना चाहिए तो अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को गारंटी दे रही है सुनना एक कंपनी दूसरे कंपनी को गारंटी दे रही है तो वो सिचुएशन में ओके बहुत सी बार रिलेटेड होने की वजह से सिर्फ गारंटी दे दी बैंक को तो वो सिचुएशन में क्या होता है कंसिडरेशन चार्ज नहीं होता है अब मेरे केस में ऐसा हुआ कि एड्यू स्मार्ट ने वी स्मार्ट पब्लिकेशन को जो है गारंटी दे दिया ओके और वहां हमने कभी चार्ज नहीं किया लेकिन अब हमें ध्यान रखना है ओके अगर कोई कारपोरेट गारंटी दी गई रिलेटेड को दिया गया सब्सिडरी रिलेटेड है ओके अगर रिलेटेड को दिया गया तो वो सिचुएशन में प्राइस चार्ज किया होगा एक्चुअल चार्ज किया होगा तो दैट शुड बी द वैल्यू अगर नहीं किया होगा तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्ट्रिक्ट क्लॉज लेके आ गया और वो है वन परसेंट ऑफ गारंटी अमाउंट समझ लो पांच करोड़ का लोन है तो पांच करोड़ का वन परसेंट कितना हुआ भाई साहब पांच लाख रुपए तो पांच लाख रुपये वैल्यू मानी जाएगी और उसके ऊपर अठारह का जीएसटी भी लगेगा गवर्नमेंट कहती है तुमको मिला हमको भी चाहिए 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 ओके तो हमको भी चाहिए तो देखो दोस्तों जहां तक देखा जाए ये कॉरपोरेट गारंटी यहाँ आ जाओ मैंने ऊपर ये क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा और इसका बहुत सिंपल वे में मैं चार्ट बना दूंगा आपको चार्ट ही इसका पढ़ना है ठीक है अभी तो इतना ही समझ लो अगर कॉर्पोरेट गारंटी दी गई तो वो सिचुएशन में वन परसेंट ऑफ गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन विच इज हायर वो आपको लेना है देन उसके बाद में नेक्स्ट जो बेटा यहाँ पे आते हैं रूल ट्वेंटी नाइन पे और रूल ट्वेंटी नाइन क्या कहता है रूल ट्वेंटी नाइन कहता है सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एजेंट या वाइस वर्षा आप ओके okay, वाइस वर्षा भी ले सकते हो ये मतलब सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट बिटवीन बोल दिया मतलब दोनों आ गया प्रिंसिपल एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल अगर आपको uh, याद होगा तो पैरा थ्री ऑफ शेड्यूल वन स्पेशली पैरा थ्री ऑफ शेड्यूल वन जहां एजेंट अपना इनवाइस इशू कर रहा है तो वहां ये रूल ट्वेंटी नाइन अप्लाई होता है पैरा थ्री जहां एजेंट अपना इन्वाइस इशू कर रहा है तो इन्होंने जो कहा कि एजेंट और प्रिंसिपल में जब स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा और ये तभी आएगा जब एजेंट अपना इन्वाइस इशू करेगा तो वो केस में ओपन मार्केट वैल्यू और नाइन्टी परसेंट ऑफ प्राइस ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी बाय टू द अनरिलेटेड कस्टमर ओके उन दोनों में का जो भी आपको फेवरेबल होगा वो ले लो तो अब तीनों में डिफरेंस क्या है अगर आप रूल ट्वेंटी देखते हो तो और वर्ड नहीं है ए नहीं हुआ तो बी बी नहीं हुआ तो सी सी नहीं हुआ तो डी ओके यहाँ पे ए बी सी विद प्रोविजो और नो डाउट दिस प्रोविजो और रूल्ड अबो प्रोविजन क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू डिक्लेयर वैल्यू ले लिया गया और ऐसे अगर प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में होगा तो और वो शेड्यूल थ्री शेड्यूल वन पैरा थ्री का एजेंट uh, होगा तो वो सिचुएशन में और का है मतलब आपको जैसा कंफर्ट होगा वैसा स्टॉक ट्रांसफर की वैल्यू ले लो ओके okay, हो सकता है कि आप जो ओपन मार्केट वैल्यू आपको ज्यादा फेवरेबल है वो लो या फिर एजेंट जो प्राइस पे बेचेगा कम ऑन एजेंट जो प्राइस पे बेचेगा ओके okay, तो उसका नाइन्टी लिया तो भी चलेगा और ए और बी पॉसिबल नहीं होगा तो रूल थर्टी थर्टी वन पर वैल्यूएशन किया जाएगा अब रूल थर्टी थर्टी वन इन ऑर्डर जाना है मतलब पहले आपको रूल थर्टी लगाना है और थर्टी वन लगा बाद में थर्टी वन लगाना है ओके okay, तो अब देखो यहाँ पे रूल थर्टी थर्टी वन कौन कौन से केसेस में अप्लीकेबल होता है सुनिए ध्यान से रूल थर्टी थर्टी वन कौन कौन से केसेस में अप्लीकेबल होता है इफ़ सिचुएशन कवर्ड इन रूल ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन बट कैन नॉट बी डन बाय बाइंग द प्रिंसिपल स्टेटेड इन द रूल्स मतलब क्या मतलब आपकी सिचुएशन कंसिडरेशन है बट नॉट ओनली और पार्टली इन मनी वाला है और आप ए बी सी में फिट नहीं हो रहे हो तो फिर डी में रूल थर्टी थर्टी वन में आना पड़ेगा तो ओके रूल थर्टी थर्टी वन में कैसे आओगे एक तो ये सब फेल हो गए तो आओगे या फिर ए भी फेल हो गया तो आओगे या फिर यहाँ पे भी ओके ये दोनों पैरामीटर फेल हो गए तो आओगे मतलब आप, आपका ट्रांजेक्शन ट ओनली और पार्टली इन मनी में या डी डी पी ट्रांजेक्शन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है या फिर प्रिंसिपल टू एजेंट है और उनके रिस्पेक्टिव क्लॉजेस में फेल हो गए तो थर्टी थर्टी वन में आना पड़ेगा दूसरा सिचुएशन नॉट कवर्ड इन अफोर्से रूल्स या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जो अफोर्सेड रूल में कवर ही नहीं होती है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको शेड्यूल टू पैराफोर याद होगा पर्सन सिजेस्ट टू बी ए टेक्सीबल पर्सन मतलब आपने अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और यू डिसकंटिन्यूड यूर बिजनेस एंड यू कैंसल द रजिस्ट्रेशन सजेस्ट टू बी ए टैक्सीबल पर्सन तो जो भी आस

और थर्टी कहता है कि जो गुड्स होगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप प्रोड्यूस कर रहे होगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपने परचेस किया होगा या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इसका 110 परसेंट टेन परसेंट मार्कअप करके वैल्यू कर दो और मैं जीएसटी दे दो हाँ अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालनी है ये एरिया जो है ओके आपको एक प्रॉब्लम करके जाना इंस्टीट्यूट पूछ सकती है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर से आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते वक्त ओके एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर आपको याद रखना है और क्या स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते वक्त एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंश्योरेंस एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग कॉस्ट एबनॉमल कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस ये सारी चीज़ें आपको एक्सक्लूड करना है पर मैं ये कहूँगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन में मैंने

रीजनेबल बेसिस पे इन सारे प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए रूल्स के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए एक रीजनेबल बेसिस पे वैल्यूएशन किया जाएगा अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं है बस एक कहना है कि रीजनेबल बेसिस पे वैल्यूएशन होगा नोट इन केस ऑफ सप्लायर सर्विस सप्लायर में ऑप्शन ऑप्शन फॉर रूल थर्टी वन इंस्टेड ऑफ रूल थर्टी हाँ अब ये वाला समझ लो समझ लो आपकी हमने क्या कहा पहले थर्टी लगा और उसके बाद में थर्टी वन लगा अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है तो यहाँ पे रूल थर्टी की अगर हम बात करें सुनना ध्यान से रूल थर्टी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस बहुत सी बार कॉस्ट ऑफ गुड्स आराम से निकल जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आराम से निकल जाता है अगर गुड्स होगा तो पर सर्विस की कॉस्ट निकालना मुश्किल जाती है क्योंकि उसमें स्किल इन्वॉल्व होता है ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होता है और निकालना मुश्किल जाता है तो अगर कोई यहाँ पे टैक्स पेयर कहना कह रहा है कि भाई मैं थर्टी में वैल्यूएशन नहीं करूंगा इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस तो फिर वो ऑफिसर okay, को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा वैल्यूएशन थर्टी वन में कर लो और एट इज ऑप्शन या वो खुद भी रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं खुद भी okay, वो डायरेक्ट थर्टी वन में एक रिजनेबल बेसिस पे वैल्यूएशन कर सकता है पर ये बेनिफिट सिर्फ सर्विस का अवेलेबल है यानी वो थर्टी को न लगाते हुए थर्टी को अप्लाई कर सकते हैं बट ओनली सर्विस गुड्स होगा तो इसी सिक्वेंस में जाना पड़ेगा पहले थर्टी और उसके बाद में थर्टी चलिए तो ये तो था था ओके 27 28 29 उसके बाद में 30 एंड 31 पांच रूल हमारे खत्म ओके तो स्वाहा बोलो स्वाहा ये हुई ना बात उसके बाद में आते हैं ओके यहाँ पे दूसरे सेक्शन पे 15 5 फिफ्टीन फाइव क्या कहता है फिफ्टीन फाइव कहता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी भाई साहब ओके गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और वो नोटिफाइड सिचुएशन में जिस तरह से गवर्नमेंट बोलेगी वैसा ही वैल्यूएशन होगा और यस yes, इसमें जो है ओके रूल थर्टी वन ए जो पहले से था और थर्टी वन बी और थर्टी वन बी थर्टी वन सी ये ऐड किया गया 31B और सी एड किया गया okay, अगर आप अमेंडमेंट देखोगे तो अमेंडमेंट में मैंने पूरी हिस्ट्री के साथ और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है तो अमेंडमेंट जरूर देखिएगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ भी देखिएगा ओके okay, तो मैंने इसका प्रैक्टिकल केस स्टडी भी लिया हुआ है अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ वैल्यूएशन कैसे होगा आपको याद होगा तो एक अमेंडमेंट ओके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पहला इसका इंस्टेंस मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में मैंने आपको यह पढ़ाया था कि आ, जो पैरा थ्री है पैरा थ्री का सॉरी शेड्यूल थ्री है शेड्यूल थ्री का पैरा सिक्स जो है पैरा पैरासिक्स जो है एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं बोला जाएगा अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में छह एक्टिविटी उन्होंने ऐड कर दी लॉटरी बेटिंग गैमलिंग कैसीनो कैसीनो लॉटरी बेटिंग तो पहले से था कैसीनो ऐड कर दिया हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन

हायर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द टिकट लॉटरी की टिकट की फेस वैल्यू और प्राइज नोटिफाइड बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट इन दोनों ओके okay, कैसे बहुत सी लॉटरी में स्टेट प्राइज नोटिफाई करता है कि भाई लॉटरी की नोटिफाइड प्राइज क्या है और उसकी फेस वैल्यू क्या है तो अगर फेस वैल्यू या प्राइज नोटिफाइड बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ये दोनों आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा इन दोनों का जो हायर होगा वो जो अमाउंट होगी वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानी जाएगी हाँ लॉटरी के केस में वो कह रहे हैं कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा और लॉटरी के केस में अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो है ओके okay, वैल्यू कैसे निकाली जाएगी तो वैल्यू इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एट क्योंकि लॉटरी का रेट ट्वेंटी एट परसेंट कर दिया है इसलिए इन्होंने जो है मतलब कर दिया मतलब पहले से था तो इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एट लिया जाएगा और वो उसकी वैल्यू कंसिडर किया जाएगा डन ये तो था ओके okay, जे तो इन सिंपल वर्ल्ड लॉटरी की जो फेस वैल्यू या नोटिफाइड वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट इसका इसका ओके okay, ये इंक्लूसिव माना जाएगा तो डिवाइडेड बाय 128 ट्वेंटी दूसरा क्या दूसरा एक्शन क्लेम बेटिंग गैमलिंग हॉर्स रेसिंग होगा हॉर्स रेसिंग जो है इधर आता है तो ये केस में इंक्लूसिव नहीं माना जाएगा व्हाट एयर दंड्रेड परसेंट फेयर वैल्यू ऑफ द बेट और अमाउंट पेड टू बी टोटल टोटल स्टेटर मतलब क्या ओके okay, तो जो आपने गैमलिंग के टाइम बेट लगाया होगा तो उसकी हंड्रेड परसेंट वैल्यू उस पर जीएसटी आएगा वो इंक्लूसिव नहीं माना जाएगा जो भी फेस वैल्यू होगी वो हंड्रेड परसेंट ली जाएगी और उस पर जीएसटी आएगा ये तो हमने ऑलरेडी देखा था थर्टी ए अब थर्टी बी उन्होंने एड कर दिया वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑनलाइन मनी गेमिंग इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व ओके तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग आगे का तुमने ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा ये बाय मिस्टेक आ गया ये अगर आपके नोट से निकल गया होगा तो ठीक है नहीं तो निकाल देना वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग ये निकाल दो ठीक है यहाँ पे एक मिनट बराबर सॉरी 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 गलती होगी बराबर है वैल्यू ऑफ ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व इन ऑनलाइन मनी गेमिंग अब देखो दो चीजें हैं एक है ऑनलाइन गेमिंग और एक है ऑनलाइन मनी गेमिंग एक ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है ऑनलाइन गेमिंग मतलब गेम कर, खेल रहे हो आप सब्सक्राइब हो रहा है दैट्स ऑल आपने गेम सब्सक्राइब कर लिया खेल रहे हो उसे कहते हैं ऑनलाइन गेमिंग ओनली और ऑनलाइन मनी गेमिंग मतलब जिसमें पैसा लगाया जा रहा है जीता जा रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग की डेफिनेशन ऐड हुई है पैसा लगाया जा रहा है और कि और उस इस, 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 सिंपल वे में मैं सट्टा कि एक्सपेक्टेशन है इंटेंशन है कि पैसा कुछ मिलेगा जीता जा रहा है तो ऑनलाइन मनी गेमिंग सब्सक्राइब कर रहे हो पैसा लगा दिया जितने की कोई उसमें उम्मीद नहीं है बस खेल रहे हो मज़ा आ रहा है और ऑनलाइन मनी गेमिंग में पैसा जीतने एक्शनेबल क्लेम है ओके जिसमें आप पैसा जीतोगे ओके okay, तो आपके हिसाब से सब कुछ क्रिकेट वगैरह खेला आपने कोई ऐप में तो पैसा जीतने के भी चांसेस है तो आपने मनी गेमिंग तो दोनों कवर हो गया मेरे से गलती होगी वो बराबर है टाइटल वैल्यू ऑफ ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व इन ऑनलाइन मनी गेमिंग तो वैल्यू है टोटल अमाउंट पेड और पेबल डिपॉजिटेड विद द सप्लायर इन मनी मनी वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल डिजिटल अब ये बात को समझना पहली बात तो मैं कर रहा हूं टोटल अमाउंट समझ लो आप कोई ऐप में जा रहे हो ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए पैसा लगा रहे हो तो जितना आपने पे किया पेबल है या डिपॉजिट किया जितना भी आपने डिपॉजिट किया टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा समझ लो आपने पांच हजार रुपए डिपॉजिट किए तो पांच हजार रुपए जीएसटी आएगा अगर आपने इक्वेलन वर्चुअल डिजिटल एसेट दी होगी चलो आपने पैसा नहीं दिया आपने एक बिटकॉइन वर्चुअल डिजिटल एसेट का बेस्ट बिटकॉइंस दियोगे तो वो वर्चुअल डिजिटल असेट भी कंसिडर होगी और जितने वैल्यू का वर्चुअल डिजिटल असेट दिया गया ओके okay, वो उस पर जीएसटी आएगा अब दूसरा देखो एनी रिफंड बाय सप्लायर टू प्लेयर शाल नॉट बी डिडक्टिबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन ऑनलाइन मनी गेमिंग अब देखो इसमें दो चीजें ओके okay, पहला कि आपने दस हजार रुपए डिपॉजिट कर दिया और फिर आप खेल रहे हो आपने खेला आठ हजार का ही आपने खेला आठ हजार का ही और दो हजार बाकी है सप्लायर ने रिफंड कर दिया रिफंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा और यहां पे लोग परेशान है तुमने कितना डिपॉजिट किया दस हजार दस हजार पे जीएसटी लग जाएगा टेन थाउजेंड प्लस जीएसटी इंक्लूसिव भी नहीं टेन थाउजेंड प्लस जीएसटी उसमें का आप सिर्फ आठ हजार का खेलते हो हार गए आठ हजार दो हजार वापस ले लिया तो जो रिफंड दिया गया ओके वो रिफंड नॉट डिडक्टेबल होगा भाई साहब बी केयरफुल ओके चलिए उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर थर्टी वन सी क्या कहता है देखो थर्टी वन सी क्या कहता है थर्टी वन सी कहता है वैल्यू इक्वल्स टू टोटल अमाउंट पेड और और पेबल बाय ऑन द ऑफ अ प्लेयर मतलब अगर यहाँ पे कैसीनो होगा आई रिपीट अगर कैसीनो होगा कैसीनो हो के कैसी ओके कै, कभी गोवा गए हो तो गोवा अगर गए हो भाई साहब तो गोवा में ऐसे तुमने कैसीनो में गए होगे समुंदर के अंदर ओके बोट से लेके गए होगे और फिर तुमने वहां पे ओके वो चिप्स लिए होगे कॉइंस लिए होगे या टिकट्स ली होगी और ऐसे चिप्स लगा रहे होगे कभी किया है? मैंने नहीं किया सुना है ऐसा ठीक है तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो कैसीनो के केस में टोटल अमाउंट पेड और पेबल बाय ऑन द प्लेयर फॉर परचेस ऑफ टोकन चिप्स कॉइन टिकट एक्सेट्रा फॉर यूज इन द कैसीनो और पार्टिसिपिंग इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम्स स्कीम कॉम्पिटिशन और कैसीनो कैसे टोकन चिप्स कॉइन और टिकट्स आर नॉट रिक्वायर्ड मतलब क्या जितने भी अमाउंट के आपने कॉइन्स वगैरह खरीदे होंगे वो टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा जो जी आएगा आप काउंटर पे गए आपने कहा कि भाई पचास यहाँ पे आ, यहाँ चिप्स देना कॉइंस देना वो कहेगा पचास इतने का होता प्लस जीएसटी प्लस जीएसटी या फिर कोई ऐसे कोई गेम होगे ओके या फिर कोई स्कीम होगी या कंपटीशन होगा ओके कैसीनो में जिसमें हाँ ऐसे होते हैं हाउजी गेम वगैरह कुछ होते हैं कि वहाँ पे चिप्स या टिकट्स नहीं चलती है आपको कैश में देना पड़ता है तो वो जो आपने टोटल दिया टोटल अमाउंट दिया ओके बाय और ऑन द दी ऑफ अ प्लेयर किसी और ने दिया होगा तो वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी रिफंड बाय कैसीनो टू प्लेयर ऑन रिटर्न ऑफ टोकन कॉइन चिप्स टिकट्स अदरवाइज शाल नॉट बी डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ये बहुत खतरनाक है ओके okay, समझ लो तुम्हारे ने पचास चिप खरीदे हो तो पचास में से ओके okay, चालीस हार गया आपने और दस बचे दस अब तुमने कहा बहुत रात होगी चलो दस वापस कर देते तो वो जो आपको दस कॉइन का पैसा वापस किया वो, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा ओके okay, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा अरे सर बट नो बट शर्ट ऑनली कट टू कट अरे सर बट नो बट शर्ट उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा ठीक है अब आगे ये एक्सप्लेनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है

ओके okay, या फिर इधर जो है दस हजार रुपए ऑनलाइन ऐप में डिपॉजिट किए और एक लाख रुपए जीत गए अब एक लाख रुपए जीत गए विदड्रॉ नहीं किया विदाउट विद्रॉइंग विद्रॉ नहीं किया और खेलते रहे आपको एक लाख जमा हो गए खेलते रहे खेलते रहे जब तक तुम खेलते रहोगे और फिर से एक लाख लगा दिए उस पर जीएसटी नहीं आएगा यानी तुमने जो पैसा जीता और विदाउट विदाउट विद्रोवल आपने फिर से लगा दिया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ओके जीएसटी नहीं आएगा पर ख्याल रहे ओके यहाँ पे विड्रॉ uh, करके वापस डाले तो आ जाएगा फिर वो वो ट्रांजेक्शन अलग हो गया विड्रॉ नहीं किया ओके यूज फॉर प्लेइंग फर्दर इवेंट विदाउट विड्रॉइंग भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट विड्रॉइंग तो वो केस में आप फिर से खेलोगे एक लाख का खेलोगे तो नहीं एक लाख पे जीएसटी नहीं जो दस हजार पे जीएसटी ऑलरेडी दिया वही लिया जाएगा समझा क्या अब इसे और डीप में समझना होगा तो फिर तो अमेंडमेंट देखिए बाकी मैंने समझा दिया ओके okay, तो चलिए ये थे रूल थर्टी वन ए थर्टी वन बी थर्टी वन सी यस और नो समझ गया दर समझ गया चलो अब आते हैं रूल थर्टी टू में रूल थर्टी टू में ओके ये भी एक फेवरेट एरिया है हमारे इंस्टीट्यूट का और इसके ऊपर कभी ऐसा और क्वेश्चन पूछ लेते हैं हो सकता है इस बार आपको पूछ लेना थर्टी टू यहाँ पे थर्टी टू वन में अगर हम देखें तो उसमें यहाँ पे यस सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी यहाँ थर्टी टू टू ए थर्टी टू टू ए है। उस ए और है। और चलो कोई नहीं। तो अब यहाँ पे जो सेल कर रहा देखो तो देना, बेचना, ये इन मनी हुआ, ये इन मनी हुआ, हुआ, उसका लगाना, लगाना। ये है, लगाना। तो उसका जो सेपरेट कंसिडरेशन निकाला जाएगा वो सेपरेट कंसिडरेशन के लिए उन्होंने दो ऑप्शन दिए ऑप्शन वन और ऑप्शन टू आपने मेरा रेगुलर क्लास किया होगा एग्जाम ओरिएंटेड या फिर आपने रेगुलर मेरा क्लास किया होगा ओके इनडेप्थ तो मैंने दोनों में ये चार्ट बना के दिया था आपको पहला ऑप्शन वन क्या कहता है ऑप्शन वन ये कहता है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है आप मनी चेंजर हो और कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है और कन्वर्ट कर रहा है फॉरेन करेंसी टू रुपीज में और वाइस वर्सा रुपीज टू फॉरेन करेंसी में तो ऑप्शन वन ये है कि आरबीआई रेफरेंस रेट इज़ अवेलेबल मतलब उस वक्त जो फॉरेन करेंसी कन्वर्ट हो रही है उसका आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है मतलब इधर तुम्हारा वो बोर्ड पे आर ओके okay, या तुम्हारे कंप्यूटर पे आरबीआई रेफरेंस रेट दिख रहे हैं और एक कस्टमर हंड्रेड डॉलर लेके आया है और डॉलर का आर रेट अवेलेबल है अगर आर रेट अवेलेबल है तो वैल्यू क्या होगी तो वैल्यू होगी डीलर्स के बाइंग रेट बाइंग एक अलग ट्रांजेक्शन है सेलिंग एक अलग ट्रांजेक्शन है समझ लो आप बाय कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो तो अगर आप बाय कर रहे हो तो डीलर्स बाइंग रेट माइनस आरबीआई बेस रेट इनटू जितने डॉलर कन्वर्ट करने रहे हो या अगर आप सेल कर रहे हो तो योर सेलिंग रेट यानी डीलर का सेलिंग रेट माइनस आर रेट इंटू जितने करेंसी आप का कन्वर्ट कर रहे हो वो आपकी वैल्यू ली जाएगी अगर आर रेफरेंस रेट अवेलेबल है दूसरा आर बी आई रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल है अब नॉट अवेलेबल है का मतलब समझ लो आपने कोई ऐसी करेंसी लाई ओके की जिसका आर बी आई रेट दिख ही नहीं रहा है यहाँ जैसे थाईलैंड की कोई थाईलैंड की तो है ओके यहाँ पे ओके okay, ता, तालिबान की करेंसी है तालिबान की करेंसी है भाई साहब तालिबान का तो आर बी आई रेट ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर और आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो इफ़ आर बी आई रेफरेंस रेट इज़ नॉट अवेलेबल तो वैल्यू शैल बी द वन परसेंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ अम करेंसी एक्सचेंज इन रुपीज़ फिर वो केस में डीलर जो भी अमाउंट पे कन्वर्ट करेगा बोले भाई तालिबान करेंसी चाहिए मिल जाएगी ओके इतने में मिलेगी ओके तो डीलर जो भी प्राइस में कन्वर्ट करेगा उसका वन परसेंट उसकी वैल्यू मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी आएगा उसके ऊपर जीएसटी डीलर को लगाना पड़ेगा या मनी चेंजर को लगाना पड़ेगा अगर उसका आर बी आई रेट अवेलेबल नहीं है ओके okay, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें ओके okay, ये कब जब फॉरेन करेंसी करेंसी टू रुपीज़ में कन्वर्जन है सर अगर फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी में होगा तो अगर फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी में होगा कम ऑन भाई साहब फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी में होगा तो वो सिचुएशन में दोनों समझ लो एग्जाम्पल लो डॉलर ओके okay, डॉलर टू पाउंड में कन्वर्ट हो रहा है डॉलर टू पाउंड में कन्वर्ट हो रहा है समझ लो हंड्रेड डॉलर्स और ये नाइन्टी तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए दोनों को आर रेट लगाओ आर रेट में दोनों को रुपीज में कन्वर्ट करो आर रेट लगा के जो डॉलर का रेट है वो डॉलर का और के जो पाउंड का है वो पाउंड का तो यहाँ पे दोनों का आर रेट लगाओ और जो भी आर रेट में हाँ दोनों में तो अब वो क्या कहते हैं उंट in तो of of मतलब दो जो है दोनों में से जो लोअर होगा ओके okay, दोनों में से जो लोअर होगा ओके okay, उस लोअर का वन परसेंट उस लोअर का वन परसेंट आपकी वैल्यू ली जाएगी वेरी गुड या ऑप्शन वन है ओके okay, ऑप्शन टू क्या है समझ लो आप कैसा है कि आप अगर ये कमीशन वगैरह चार्ज करते हो बिल में तो कस्टमर को समझ जाता है तो ऐसे केस में आप ये जो है ये वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहते हो तो फिर आप ऑप्शन टू ले लो अब ऑप्शन टू क्या कहता है ऑप्शन टू कहता है कि आपको ऑप्शन वन नहीं चाहिए तो फिर जो आप एक्सचेंज वैल्यू करोगे ऑप्शन टू फिर वो टे, टे, टेबुलर फॉर्म में दे दिया है और ये ऑप्शन टू पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार अच्छे से करके जाना ऑप्शन टू क्या कहता है अगर कस्टमर आया और कस्टमर की एक्सचेंज वैल्यू अप टू वन होगी आया और उसकी एक्सचेंज वैल्यू अप टू वन होगी समझ लो ओके okay, वो हंड्रेड डॉलर कन्वर्ट करने आया या वो फाइव थाउजेंड डॉलर कन्वर्ट करने आया ओके okay, और एक्सचेंज वैल्यू एक लाख के नीचे है तो आपका जीएसटी चार्ज करने के लिए वैल्यू क्या होगा तो जीएसटी वैल्यू होगी वन परसेंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज बट मिनिमम टू फिफ्टी समझ लो यहाँ पे वो एक्सचेंज करवा रहा है सेवनटी थाउजेंड का तो सेवेंटी थाउजेंड का वन परसेंट सेवन हंड्रेड और टू फिफ्टी विचेवरीज हायर इज हायर क्योंकि मिनिमम टू फिफ्टी बोला है अगर वो पांच हजार का एक्सचेंज करवा रहा है डॉलर तो पांच हजार का वन परसेंट पचास रुपए नहीं पचास नहीं फिर टू फिफ्टी लेना पड़ेगा फिर टू फिफ्टी लेना पड़ेगा तो वन परसेंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज अगर ऑप्शन वन नहीं होता है तो दूसरा इफ एक्सचेंज वैल्यू मोर देन वन लैख बट बिलो टेन लैख अब देखो उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने कह दिया कि अगर आपकी एक्सचेंज वैल्यू एक लाख के ऊपर जा रही है तो मेरे पास कोई कस्टमर आया और वो कस्टमर यहाँ पे जो है यहाँ लेट्स एक एग्जाम्पल फाइव थाउजेंड डॉलर लेके आया और फाइव थाउजेंड डॉलर तो एक हज़ार डॉलर अस्सी हज़ार अभी एग्जाम्पल लेते हैं अस्सी हज़ार के हुए तो फाइव थाउजेंड औकिफ डॉलर फोर लाख के हुए मतलब वैल्यू एक लाख के ऊपर होगी अगर वैल्यू एक लाख के ऊपर है और दस लाख से नीचे है तो वो क्या कह रहे हैं कि जो पहली स्टेप है एक लाख तक का एक लाख तक का हम फिक्स कर देते हैं एक लाख तक का कितना बोला था हमने वन परसेंट तो वो एक लाख तक का तो फिक्स है वन थाउजेंड हम लेंगे वन परसेंट लेंगे और जो एक्सेस है एक्सेस है मतलब ओके आपका चार लाख था चार लाख में से एक लाख का तो हमने ले लिया वन थाउजेंड एक लाख काउजेंड ले लिया जो क्लॉज ए के हिसाब से और जो एक्सेस है एक्सेस कितना आपका थ्री लैख्स है तो फोर लैक्स माइनस वन लाख थ्री लैख थ्री लाख का ऊपर वाले का जीरो पॉइंट फाइव परसेंट लिया जाएगा उसका जीरो पॉइंट फाइव परसेंट एड करेंगे आपकी वैल्यू आएगी और इस वैल्यू पे जीएसटी आएगा उसके बाद में एक्सचेंज वैल्यू अबो टेन लाख टेन लाख के ऊपर एक्सचेंज वैल्यू जा रही है उस कस्टमर की तो वो क्या कह रहे हैं टेन लाख के ऊपर जा रही है तो जो टेन लाख तक का ए और बी में फिक्स हुआ ए और बी में फिक्स हुआ मतलब ए में लाख लाख में से पहला पहला का का कितना यानी यानी ओके और ऊपर के का यानी टोटल कितना हुआ तो तो पहले का तो लाग लाग तो 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 का होगा और ऊपर जितना भी होगा मतलब वॉटअर एक्सचेंज वैल्यू माइनस टेन लैक्स पॉइंट 0.1% बट मैक्सिमम 60000 सिक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए तो चलो ये एक उन्होंने स्पेशल वैल्यूएशन मेथड दी फॉर सेल और परचेस ऑफ फ़ॉरेन करेंसी उसके बाद में या ये तो थर्टी टू टू था थर्टी टू थ्री सॉरी ओके फिर आते थर्टी टू थ्री पे अब ये थर्टी टू थ्री क्या है ये स्पेशली एयर ट्रैवल एजेंट आप लिख सकते हो ये स्पेशली जो दिया जा रहा है वो एयर ट्रेवल एजेंट को दिया जा रहा है एजेंट को दिया जा रहा है जो एयर टिकट बुक करता है एजेंट को दिया जा रहा है एयर ट्रेवल एजेंट अगर एयर ट्रेवल एजेंट है और वो एक्चुअल कमीशन वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहता है एक्चुअली एयर एजेंट पे जीएसटी उसने जो कमीशन चार्ज किया उस पे आता है और वो ऑप्शन नहीं लेना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो डोमेस्टिक बुकिंग करेगा और वो अपना कमीशन अलग से नहीं बता रहा है तो वो केस में उसकी वैल्यू क्या होगी तो उसकी वैल्यू इक्वल्स टू फाइव परसेंट ऑफ बेसिक फेयर यानी जो बेसिक फेयर चार्ज किया कभी कभी क्या एयर ट्रेवल एजेंट आपकी टिकट बुक करते हैं और अपना कमीशन अलग से नहीं बताते हैं तो उसने जो यहाँ फिर उसका कमीशन ऐसा फिक्स बेसिस पे लिया जाता है एज अ वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी आएगा तो डोमेस्टिक बुकिंग होगी तो फाइव परसेंट और इंटरनेशनल बुकिंग होगी तो टेन परसेंट ख्याल रहे ओके बेसिक फेयर मीन्स एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज पेबल जो फेर पे कमीशन होगा इट डज नॉट इंक्लूड्स अदर चार्जेस एंड टैक्सेस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यानी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर ऐसा आया कि एयर टिकट में बेसिक फेयर इतना था और अदर टैक्सेस इंक्लूडेड थे और अदर चार्जेस तो आपको टैक्सेस को छोड़ के अदर चार्जेस को छोड़ के जो बेसिक फेयर है उसका फाइव परसेंट और उसका टेन परसेंट आपको लेना है तो ये था थर्टी टू थ्री उसके बाद में आते हैं थर्टी टू फोर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ध्यान सुनिएगा। मैं आपको ये बता ये ये आपको बता को दिया गया है। है, अब life insurance business में यहाँ पे तीन policy generally चलती है। एक saving policy चलती एक दूसरा सिंगल एन्यूटी पॉलिसी चलती है और तीसरा पॉलिसी चलती है अब ये सेविंग पॉलिसी क्या होती है दोस्तों तो saving policy मतलब आपका जो कंपनी प्रीमियम लेगी वो प्रीमियम में से सेवेंटी एटी परसेंट आपका सेविंग रखेगी इन्वेस्ट करेगी और ट्वेंटी परसेंट या थर्टी परसेंट अपना रिस्क टूअर्ड तूर, रिस्क इनकम लेगी रिस्क इनकम लेगी और बाकी आपका सेविंग में जाएगा उसको कहते हैं सेविंग पॉलिसी इसमें प्रीमियम ज्यादा होता है क्योंकि आपके बिहार पे कंपनी इन्वेस्ट करती है दूसरा सिंगल एन्यूटी पॉलिसी एन्यूटी कर देना ओके सिंगल एन्यूटी पॉलिसी अब ये सिंगल एन्यूटी पॉलिसी क्या होता है तो सिंगल एन्यूटी पॉलिसी बेटा यहाँ पे जिसमें वैल्यू जो यानी यहाँ पे एक लमसम अमाउंट होती है एन्यूटी की आपको मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली देने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ लमसम दे दो चार साल का पाँच साल का सिंगल एन्यूटी दे दो और आपका लाइफ इंश्योरेंस सिक्योर हो जाता है और एक होती है ऑनली रिस्क पॉलिसी मतलब जिसमें प्रीमियम भी सेविंग नहीं होता है जैसे समझ लो मैं प्रीमियम आपसे ले रहा हूं लेकिन कुछ कंपनी कहती है कि हर साल रिन्यूअल करना पड़ेगा तो वो उसको कहते हैं रिस्क पॉलिसी है। सबसे पहले हम देखते हैं सेविंग पॉलिसी है। अगर सेविंग पॉलिसी आपने कंपनी ने सेविंग पॉलिसी आपको इश्यू किया है एंड इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर ओके यहां पे डाउनलोड है यहां पे देखो इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर मतलब क्या मतलब आपको यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट या सेविंग बताई जा रही है बड़े बड़े पॉलिसी में बताई जाती है कि देखो आपका प्रीमियम दस हजार होगा जैसे एक कारपोरेट का मैं लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ दस हज़ार एम्प्लॉयज का बड़ा बिजनेस है तो इसमें कंपनी बताती है कि आपका एटी परसेंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा और ट्वेंटी परसेंट रिस्क जो हमारा बिजनेस है तो अगर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में आई रिपीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इन्वेस्टमेंट अलग से बताया जा रहा है तो फिर पूरे दस हजार जीएसटी नहीं आएगा ओके वैल्यू होगी ग्रॉस ग्रॉस प्रीमियम लेस इन्वेस्टमेंट समझ लो आपका टेन थाउजेंड है और उसमें से इन्वेस्टमेंट एट थाउजेंड है तो इन्वेस्टमेंट डिडक्ट हो जाएगा और जो बचेगा टू थाउजेंड वो वैल्यू माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा समझ में आएगा आपको चलो ये तो था इन्वेस्टमेंट अलग से बताया गया तो समझ लो इन्वेस्टमेंट नॉट इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर छोटी छोटी पॉलिसी अब बड़ा कंपनी का बिजनेस था इसलिए बता दिया एक कोई आया ओके अल्टू टू और उसने बोल दिया कि मुझे पॉलिसी निकालना है कंपनी कहती है हाँ इतना प्रीमियम होगा और उसने कहा ये बताओ इन्वेस्टमेंट कितना है और टूअर्ड रिस्क कितना है वो कह जाए यहाँ से तो अगर कंपनी कोई पॉलिसी निकालते वक्त इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं बता रही वो कह रही है दस, दस आपको देना पड़ेगा पांच साल बाद आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा ओके इसमें बायफर्गेशन नहीं मिलेगा अगर कंपनी बायफर्गेशन नहीं बता रही है तो वो केस में फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम रहेगा उसमें वैल्यू 25 फाइव परसेंट ऑफ प्रीमियम गवर्नमेंट फिक्स कर देगी और इतने वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ेगा सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर में आपकी वैल्यू 12.5 परसेंट और प्रीमियम चार्ज ओके तो सेकंड और सबसिक्वेंट ईयर में जो कंपनी प्रीमियम चार्ज करेगी उसका ट्वेल्व परसेंट लिया जाएगा यह तो था बेटा सिंगल एन्यूटी पॉलिसी दूसरा वैल्यू जो है सॉरी okay, ये तो था सेविंग पॉलिसी दूसरा सिंगल एन्यूटी पॉलिसी ले लेते हैं सिंगल एन्यूटी पॉलिसी जिसमें फिक्स है टेन परसेंट ऑफ सिंगल एन्यूटी पॉलिसी वैल्यू माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा थर्ड लेते हैं रिस्क पॉलिसी रिस्क पॉलिसी में सेविंग होता ही नहीं है रिस्क पॉलिसी में जो भी प्रीमियम है टूवर्ड रिस्क है इसलिए वैल्यू शाल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन फिफ्टी वन मतलब ग्रॉस प्रीमियम चार्ज एंड नो डिडक्शन फॉर सेविंग जो आप एक्चुअल ग्रॉस प्रीमियम चार्ज करोगे उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज इट कैन बी विदड्रॉ इन अ सेम फाइनेंशियल ईयर कोई भी कंपनी अगर ये ऑप्शन वाला लेती है ओके तो वो सेम फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉन नहीं कर तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपको जो थर्टी टू फोर अपलीकेबल है थर्टी टू फोर जो है सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को अपलीकेबल है जनरल इंश्योरेंस को अपलीकेबल नहीं है जनरल इंश्योरेंस के केस के में आपका जो भी ग्रॉस प्रीमियम होगा ग्रॉस प्रीमियम पे ही जीएसटी आएगा बोलो सुहा ओके ये हो गया हमारा यहाँ पे थर्टी टू थ्री थर्टी टू फोर अब आते हैं थर्टी टू फाइव बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स यानी सेकंड एंड डीलर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के हिसाब से प्लीज़ आप ये अच्छे से करके जाना मैं तो यहाँ रिवाइज कर दूंगा लेकिन रेगुलर मैथ से अच्छे से पढ़ लेना या आपके पास क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चनर्स अच्छे से सॉल्व करके जाना मैं साथ साथ में बताते जा रहा हूँ अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको किस तरह से इसको टैकल करना है ओके okay, और एक बाजू में लिस्ट ही रखो कि आपको करना क्या है पढ़ाते पढ़ाते मैं इंपॉर्टेंट एरिया आपको बताते जाऊँगा डन थर्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स सेकेंड हैंड डीलर्स के लिए है अब सेकेंड हैंड डीलर्स जो है बहुत सी बार गुड्स खरीदते हैं ओके okay, खरीदते हैं और बेचते हैं जब ये ओके okay, जूना बाजार से मैं ओके okay, तो मैं सेकेंड हैंड गुड्स खरीद रहा हूँ हो सकता है कि जो मुझे बेच रहा है मैं डीलर हूँ जो मुझे बेच रहा है हो सकता है कि वो मुझे जी एस टी इन्वाइस दे या जो मुझे बेच रहा है वो अनरजिस्टर्ड है पुराना फर्नीचर लेके आ गया पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लेके आ गया तो जिसके सेकेंड हैंड गुड्स है उनको गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑप्शन दिया है थर्टी टू फाइव का और ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल है अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीद के वो आगे बेचता है तो ऐसे केस में वो जीएसटी आगे जब बेचेगा आगे जब बेचेगा खरीद के जब बेचेगा तो जीएसटी कैसे लगाएगा अपने इनवॉइस में इफ आईटीसी इज नॉट टेकन ऑन द परचेस ऑफ सच गुड्स सिंपल क्राइटेरिया जो उसने गुड्स परचेस किया ओके okay, उसका उसने आईटीसी नहीं लिया उसका उसने आईटीसी नहीं लिया कोई अनरजिस्टर से खरीदा होगा किसी से भी खरीदा होगा और आईटीसी नहीं लिया होगा तो ये जब वो पुराना गुड्स सेल करेगा एज अ सेकेंड हैंड सेल ओके okay, सेल करेगा वो गुड्स को तो उसकी वैल्यू यानी ओके समझ लो मैंने गुड्स खरीदा और मैं आगे बेच रहा हूँ जब मैं आगे बेच रहा हूँ तो ऐसे केस में जो है मेरी वैल्यू क्या ली जाएगी तो मेरी वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगी मैं अपने वैल्यू एडिशन पे जीएसटी दूंगा और कितना सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस ओके okay. जो मेरी सेलिंग प्राइस मैं बेचूंगा समझ लो मैंने पुराना फर्नीचर खरीदा और उसको बेचा बेचा मैंने सेवेंटी थाउजेंड में और ख़रीदा मैंने फिफ्टी में तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी पे ही मैं बिल में जीएसटी लगाऊंगा और अगर ये निगेटिव होगी तो निगेटिव होगी तो इग्नोर जी वैल्यू जीरो हो जाएगी इन सिंपल वर्ड ओके समझ लो मैंने पुराना माल खरीदा पचास में और बेचा थर्टी में ही तो मैं तो तो हो गया, होगा जीएसटी तो नहीं लगेगा ओके okay, वो वैल्यू नील हो जाएगी ये समझ में आया क्या ये कब ओके okay, ये ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा ओके सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस जब आपने आई नहीं लिया हो सर तो अगर मैंने आई ले लिया होगा तो अगर आपने आईटीसी ले लिया है आईटीसी टी इज टेकन ऑन द परचेस ऑफ सच गुड्स तो वो सिचुएशन में ओके आई टी लिया हुआ है तो फिर आपको ये रूल अप्लाई नहीं होगा आपको सेक्शन फिफ्टीन वन के हिसाब से ट्रांजेक्शन वैल्यू यानी जो आपकी सेलिंग प्राइस होगी उस पर जीएसटी देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर खरीदा पुराना पचास का विथ जीएसटी बिल खरीदा और मैंने आई लिया अगर विथ जीएसटी बिल खरीदा और मैंने आई लिया और पचास हज़ार का फर्नीचर में सत्तर में बेचता हूँ तो मुझे जीएसटी सत्तर हजार में देना पड़ेगा और मैं उसके अगेंस्ट में आई यूज कर सकता हूं ओके okay, ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे जो उन्होंने कहा स्पेशली uh, कि सेकेंड हैंड डीलर्स को आईटीसी के बेस पर आइदर मार्जिनल मार्जिनल वैल्यू पे जीएसटी आएगा अगर उसने आईटीसी लिया होगा तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी आएगा अब देखो यहाँ पे ये यह जो परचेस प्राइस है अगर रीपजेस गुड्स होगा ओके इन केस ऑफ रीपजेस गुड्स फ्रॉम डिफॉल्टिंग बॉरोवर हु इज अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड से आपने ओके okay, डाल देना अनरजिस्टर्ड, ओके डिफॉल्टिंग अनरजिस्टर्ड हुआ। तो अब देखो समझ लो यहाँ पे जस्ट मिनट एक डायग्राम ले लेता हूं तो आपको और अच्छे से। एक डायग्राम लेके समझाने की कोशिश करता हूँ समझ लो कोई अनरजिस्टर्ड बंदा है और उसने बाइक खरीदी ओके okay, जब ओरिजिनल परचेज किया तो बाइक एक लाख की थी उसने बाइक खरीद ली ठीक है वो बाइक उसने फाइनेंस पे ली समझ लो फाइनेंस ओके बजाज आज ऑटो है या एन है और उस पर उसने फाइनेंस पे बाइक ली देन अब ये जो फाइनेंस पे उसने बाइक लिया अच्छा चला रहा बंदा ओके okay, लेकिन क्या हुआ कि वो उसने डिफॉल्ट कर दिया अनरजिस्टर्ड बंदा है उसने डिफॉल्टर हो गया डिफॉल्टर हो गया तो वो बाइक जो है कंपनी ने बैंक ने ओके okay, परचेस नहीं किया फॉरफिट कर लिया ओके बाइक लेके चले गए ओके बाइक लेके चले गए अब देखो ओरिजिनल बरोअर ने ओरिजिनल बरोअर ने बाइक खरीदा था 15 दिसंबर 20 में ओके okay, 15 दिसंबर 20 में. और बैंक ने उसको यहाँ पे जो है रिपजेस कर लिया क्योंकि पैसा नहीं दिया बंदे ने बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जिसने भी होगा रीपोजेस कर लिया तो अब बैंक जब आगे सेल करेगी तो बैंक कितने अमाउंट पे जीएसटी देगी अब हम बात कर रहे हैं बैंक जिसने रिपोर्ज किया हुआ है वो कितने अमाउंट पे जीएसटी देगी तो लॉ ये कहता है कि यहां पे बैंक को तो क्रेडिट मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो जो बिल है वो तो ओरिजिनल बोरो के नाम का है तो ऐसे केस में सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस मार्जिनल वैल्यू पे जीएसटी दिया जाएगा पर व्हाट शुड बी द मार्जिनल वैल्यू व्हाट शुड बी द मार्जिनल वैल्यू तो ऐसे केस में जो आपकी मार्जिनल वैल्यू होगी मार्जिनल वैल्यू में सेल प्राइस तो अवेलेबल है पर आपको परचेस प्राइस निकालना पड़ेगा तो रीपजेस गुड्स के केस में सुनना रीपजेस गुड्स के केस में उसकी परचेस वैल्यू होगी और वो परचेस वैल्यू होगी ओरिजिनल ने जिसने कितने में खरीदा था ओरिजिनल ने जितने में खरीदा था दैट इज और माइनस ओके फाइव परसेंट पर क्वार्टर और ये क्वार्टर कैलेंडर क्वार्टर लेना है मतलब क्या मतलब ओरिजिनल बॉरवर ने कब खरीदा था ओके okay, खरीदा था फिफ्टीन दिसंबर तो डिसंबर कौन से कैलेंडर क्वार्टर में आता है तो तीसरे कैलेंडर क्वार्टर में आता है तो यहाँ पे ओके फिफ्टीन दिसंबर तो फिर ओके okay, तो ये अक्टूबर नवंबर डिसंबर जो जो क्वार्टर में वो डेट आती है वो पहला क्वार्टर तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर जनवरी फरवरी मार्च और अब आगे क्या करना है ये आपको क्वार्टर कब से तो ओरिजिनल वॉर ने जब खरीदा टिल द दे डेट ऑफ डिस्पोजल रिपोर्जेस नहीं टिल द दे डेट ऑफ डिस्पोजल तो उतने क्वार्टर कैलकुलेट करने डिस्पोजल ट्वेंटी सेप्टेम्बर ट्वेंटी को किया तो वो केस में उसके ओरिजिनल क्वार्टर कैसे निकलेगा तो अक्टूबर पहला क्वार्टर 20 का फिर 21 चालू हो गया तो यहाँ पे कब तो सितंबर में तो ऐसे टोटल उसके चार क्वार्टर हो गए चार कैलेंडर क्वार्टर हुए तो ये डेट जो क्वार्टर में आती है वो पहला क्वार्टर और ये डेट जो क्वार्टर में आती है वो लास्ट क्वार्टर ओके okay, वो लास्ट क्वार्टर लिया जाएगा तो चार क्वार्टर फाइव परसेंट के हिसाब से रिड्यूस होगा और यहाँ पे एटी थाउजेंड लिया जाएगा वैसे तो चार्ट आपका, आपका आप, मेरा ये चार्ट आपके पास हो okay? गया पर कोई स्टूडेंट को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जरूर यहाँ पे ले सकता है अगर उसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना रहा तो चलिए तो ये हमने देखा कि अगर रीप्रजेस गुड्स होगा तो वो सिचुएशन में किस तरह से आपका वैल्यू निकाला जाएगा ठीक है बाकी तो फाइव परसेंट परचेस प्राइस ऑफ डिफॉल्टिंग डिफॉल्टिंग बोरोवर का परचेस प्राइस माइनस फाइव परसेंट आपको लेना है नेक्स्ट थर्टी टू सिक्स टू सिक्स जो है वैल्यू ऑफ टोकन वाउचर कूपन स्टैम्प वाउचर्स अगर आपको याद होगा जिसमें आपने गुड्स और सर्विसेज देने का वादा किया हो जिसका आइडेंटिफाइबल okay, वाउचर हो गए तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर पे जीएसटी आता है और नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर हो गए तो जिस दिन रिडमशन किया उस दिन जीएसटी आता है तो वाउचर की वैल्यू क्या होगी तो वैल्यू उसमें जो गुड्स होगा उसमें जो गुड्स या सर्विस देने का वादा होगा उसकी मनी वैल्यू ली जाएगी अगर उसमें ओके okay, पिज्जा देने का वादा होगा तो पिज्जा की मनी वैल्यू प्रेशर कुकर देने का वादा होगा तो प्रेशर कुकर की मनी वैल्यू उसमें गारमेंट्स देने का वादा होगा तो गारमेंट्स की मनी वैल्यू तो उसमें जो गुड्स लॉन्च होगा तो लॉन्च की मनी वैल्यू उतने वैल्यू पे जीएसटी आएगा ओके okay, वो थर्टी टू सिक्स था थर्टी टू सेवन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्टिंग पर्सन के केस में वैल्यू नहीं लोगा अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा तो ये था ओके थर्टी टू उसके बाद में अगर आप आते हो तो थर्टी थ्री थर्टी थ्री प्योर एचन ओके okay, डिडक्शन जो मिलते हैं एज ए प्योर एजेंट ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा प्योर एजेंट प्योर एजेंट ये कॉन्सेप्ट ये है कि ध्यान से सुनिएगा अब बहुत सी बार सप्लायर जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है ऑन द बी ऑफ ऑफ जैसे ओके okay, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहोगा कि आप जो है पंक्चर वाले के पास जा रहे हैं पंक्चर निकालने के लिए वो सर्विस दे रहा है पंक्चर निकालना उसकी सर्विस है पता चला आपका तो ट्यूब ही खराब हो गया दस बारह पंक्चर है तो वो आपके बिहार पे वो कहता है साहब ट्यूब बदलना पड़ेगा आपने कहा कि भाई साहब आप ट्यूब लेके आ जाओ मेरे भी पे और बिल भी मेरे नाम का लाना मैं आपको रिमबर्स कर दूंगा इसको जनरली रिमबर्स एक्सपेंसेस कहते हैं तो उसने बंदे ने ट्यूब लाया फिट कर दिया अब वो बंदे ने बिल बनाया मेरे ओके यहाँ पे पंक्चर रिपेयरिंग या फिटिंग चार्जेस जो है मेरे पाँच सौ रुपये और ट्यूब के हज़ार रुपये तो ऐसे केस में जो वो पंक्चर वाला है पंक्चर वाले ने जो ट्यूब के हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्चे किया ऑन द बि रिसिपियन उसकी वैल्यू में नहीं लिया जाता है उसका डिडक्शन मिलता है तो जनरली ये रूल 33 सप्लायर ऑफ सर्विस को लगता है और वो सप्लायर ऑफ सर्विस जो एज अ प्योर एजेंट इनकर्ट कर रहा है और वो प्योर एजेंट का पैसा सुनिए सुनिए ध्यान सुनिए वो प्योर एजेंट का पैसा जो है वो प्योर एजेंट का पैसा इन एडिशन टू सर्विस है तो वो केस में यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा पर सबसे पहले वो प्योर एजेंट होना चाहिए प्योर एजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए उसका कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होना चाहिए कि भाई वो पंक्र वाला कह रहा है कि देखो साहब मेरा काम तो इसी पंक्चर ठीक करना है या फिटिंग करना है ओके आपको ट्यूब लाना है तो हमारा एक एग्रीमेंट है मैं आपके बिहार पे ट्यूब ला रहा हूँ हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है ओके okay, मैं एक्स्ट्रा खर्चा अपने जेब से करूंगा पर मुझे वापस कर देना दूसरा नायदर होल्डिंग टाइटल ऑफ द सप्लाईज प्रोक्योर्ड मतलब वो पंक्चर वाला कह रहा है कि सर बिल आपके नाम का ही लाऊगा क्यों मैं नहीं परचेस करूंगा मैं जब बिल लाऊंगा तो आपको उसका बिल अलग से अटैच करके दे दूंगा मेरे को पैसा वापस कर देना उसके बाद में डोंट यूज़ द सप्लाइज फॉर इज ओन इंटरेस्ट वो खुद के लिए नहीं यूज़ कर रहा है और रिसीव ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड और साहब मैं कोई ज़्यादा प्रॉफिट उसमें लेने वाला नहीं हूँ जितने का खरीदा उतना मैं ट्रांसपेरेंट कसम से बता दूंगा तो ऐसे केस में चार कंडीशंस अगर फुलफिल होती है वो प्रॉफिट वगैरह नहीं लेता है तो वो प्योर निष्पाप एजेंट बोला जाएगा ओके तो अगर वो प्योर एजेंट होता है और ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है तो वो आपकी एक्सपेंडिचर वैल्यू से एक्सक्लूड होगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ओके सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट ऑफ रेसिपिएंट व्हाइल मेकिंग द पेमेंट टू तो थर्ड पार्टी ओके मतलब क्या वो पंचर वाला ओके okay, वो पंक्चर वाला जब थर्ड पार्टी को ट्यूब का पैसा दे रहा है तो वो एज अ प्योर एजेंट एक्ट हो रहा है प्योर एजेंट एक्ट हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है अपने नाम का बिल नहीं ले रहा है ओके okay, खुद के इंटरेस्ट के लिए नहीं खरीद रहा है और वो सामने वाले पार्टी को उतना ही चार्ज करेगा जितना उसने खर्चा किया उंट सेटली शोन इन द इनवाइस और लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट सप्लाइज ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोक्योड बाई द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ओके इन एडिशन टू सर्विस ही सप्लाइज ऑन इज ओन अकाउंट मतलब जो भी उसने एक्स्ट्रा खर्चा किया ऑन द बी ऑफ ऑफ कस्टमर वो उसके सर्विस का पार्ट नहीं होना चाहिए जैसे एज ऑडिटर हम बहुत सी बार लॉजिंग बोर्डिंग ट्रैवलिंग के खर्चे करते हैं एज अ ऑडिटर जब हम लॉजिंग बोर्डिंग ट्रैवलिंग के खर्चे करते हैं तो वो हमारे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इन एडिशन नहीं है ओके okay, कस्टमर हमें रिमर्स करता है बट इट रिलेटेड टू सर्विस इंसिडेंटल टू सर्विस एंड नॉट ओके एक्स्ट्रा सर्विस तो वो जो है ओके इट्स नॉ यू कॉन्ट से इट इज इन एडिशन टू सर्विस इन इज ओन अकाउंट उसके डिरेक्शन नहीं मिलते हैं अगर प्योर एजेंट के डिरेक्शन चाहिए तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये आपके सर्विस का पार्ट नहीं था प्योरली क्लाइंट के बोलने पर किया आपने चलिए तो ये था प्योर एजेंट का डिडक्शन उसके बाद में रूल थर्टी फोर एक्शेंज रेट लेते वक्त बहुत सी बार फॉरेन करेंसी में बिल बनते हैं जब आपके बिल फॉरेन करेंसी में बने बनते हैं तो आपको एक्शन रेट लेते वक्त जो है ओके कुछ चीज़ का ख्याल रखना है अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो आपको कस्टम एक्ट में जो एक्शन रेट डिस्क्राइब होते हैं सेक्शन फोर्टीन में वो एक्शन रेट लेना है और सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो वो केस में गैप के रेट लेना है ओके okay, गैप के रेट लेना है एक्शन रेट किस दिन के लेना है तो ओके okay, जो जिस दिन आपका टीओएस आएगा एज पर सेक्शन ट्वेल्व ओके ट्वेल्व के हिसाब से फिर वो फॉरवर्ड चार्ज हो रिवर्स चार्ज और, रिवर और वाटर रेट में भी गुड्स होगा तो सेक्शन ट्वेल्व के हिसाब से जिस दिन टीओएस आएगा उस दिन का सीबीआईसी का ओके सी बी का एक्शन रेट लेना है जो कस्टम्स में है और अगर आपका सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो सेक्शन थर्टीन के हिसाब से जो टीओएस आएगा गैप रेट आपको लेना है और रूल थर्टी बहुत सी बार अगर आपकी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी तो आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन से वैल्यू निकालना पड़ेगा तो चलिए ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया अब ये जो सर्कुलर है ये सर्कुलर मैं आपको समझा देता हूँ डन चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर हम देख लेते हैं इसमें ये जो सर्कुलर है यहाँ पे वन एटी सिक्स बाय एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू उसके बाद में ये वाला सर्कुलर ट्वेंटी थ्री वाला रिम्बर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर और पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू कंपनी एंड हम देख लेते हैं जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया और वो ये पढ़ाया कि रूल ट्वेंटी एट टू में एक अमेंडमेंट हुई है और ये कहा गया कि अगर कॉर्पोरेट गारंटी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया जाए और ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपियन दिया जाए हु इज रिलेटेड पर्सन हु इज रिलेटेड पर्सन तो उस कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन या वन परसेंट ऑफ गारंटी ऑफर्ड विच इज हायर इतना लिया जाएगा इस पे सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया ये सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन में होगा और ये क्लैरिफिकेशन मैंने ओके एक चार्ट में दिया है तो आपने पॉज करके वो चार्ट बना लेना है ओके सो दैट ये क्लैरिफिकेशन वर्डिंग से ज़्यादा चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको चार्ट क्या बनाना है जैसे कॉरपोरेट गारंटी टू बैंक और एफ फॉर लोन और क्रेडिट स्पेशली फॉर रिलेटेड पर्सन ओके बैंक रिलेटेड पर्सन ओके रिलेटेड पर्सन तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अगर कंपनी ने अनादर कंपनी को गारंटी दिया जो रिलेटेड है या होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ओके okay, गारंटी दे रहा है और डायरेक्टर कंपनी को गारंटी दे रहा है इन पर्सनल कैपेसिटी अगर कंपनी दूसरे रिलेटेड कंपनी को गारंटी दे रही है या फिर होल्डिंग सब्सिडरी को गारंटी दे रही है तो यहाँ रूल ट्वेंटी एट टू लग जाएगा ओके और ट्वेंटी एट टू में ओके सी बी आई सी कहता है हायर ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ली जाएगी ओके यानी यहाँ पे वैल्यू जो ली जाएगी वन परसेंट ऑफ गारंटी ऑफर्ड या एक्चुअल एवर इज हायर लिया जाएगा मतलब ट्रांजेक्शन अगर विद कंसिडरेशन होगा तो विद दोनों में से हायर और विदाउट कंसिडरेशन होगा तो फिर वन परसेंट तो लिया ही जाएगा ओके okay, क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, वो इज हायर कहा गया तो कंसिडरेशन जीरो होगा तो वन परसेंट हायर आ जाएगा तो ऐसे केस में अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को गारंटी दे रही है लेकिन अगर डायरेक्टर कंपनी को गारंटी देता है आई रिपीट डायरेक्टर कंपनी को गारंटी देता है तो सी बी आई से क्लैरिफिकेशन कहता है कि ट्वेंटी एट टू अप्लीकेबल नहीं होगा ट्वेंटी एट टू कॉर्पोरेट गारंटी को अप्लीकेबल होता है डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में कंपनी को अगर गारंटी दे रहा है तो अप्लीकेबल नहीं होगा उसका वैल्यूएशन नो डाउट रिलेटेड पार्टी है डायरेक्टर और कंपनी और डायरेक्टर और कंपनी रिलेटेड पार्टी है तो ट्वेंटी एट वन से होगा अब ट्वेंटी एट वन में ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो क्या कहते हैं ट्वेंटी एट वन में ओके okay, जो वैल्यूएशन ओपन मार्केट वैल्यू ली जाती है तो यहाँ पे अगर डायरेक्टर ने गारंटी दी कंपनी को और उसका कंसिडरेशन नहीं लिया तो ओपन मार्केट वैल्यू नील मानी जाएगी हेंस नो टैक्स पेबल और ये आर बी मैंडेट है ये आरबीआई मैंडेट है और आरबीआई ने कहा है कि अगर डायरेक्टर कंपनी को गारंटी देता है और उसके लिए चार्ज नहीं करता है तो उसकी वैल्यू नील मानी जाती है तो ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई मैंडेट सीबीआईसी ने कहा अगर डायरेक्टर कंपनी को गारंटी दे रहा है तो वो सिचुएशन में ओके विदाउट कंसिडरेशन होगा तो वो सिचुएशन में वैल्यू नील मानी जाएगी और टैक्स नील आएगा लेकिन अगर डायरेक्टर उसके चार्जेस ले रहा है तो जो भी रेमुनरेशन और कंसिडरेशन वो ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी तो ये ये जो चार्ट है आपको अभी पॉज करके बना लेना है चलो ठीक है तो आपने ये चार्ट बना लिया होगा तो अब मैं पढ़ लेता हूं ओके थोड़े यहाँ पे पॉइंट्स जो है मुझे कनेक्ट करना है तो सबसे पहले पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू द कंपनी यानी हमारे चार्ट का सेकंड पार्ट पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड डायरेक्टर टू बैंक और एफ आई आई सर सिक्योरिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर देयर कंपनी टू इज सप्लाई इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस इवन दो मेड विदाउट कंसिडरेशन एज अ डायरेक्टर कंपनी आर रिलेटेड पर्सन एंड दिस एक्टिविटी गेट कवर्ड अंडर पैरा टू सबसे पहले तो ये सर्विस है नो डाउट और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है क्योंकि डायरेक्टर रिलेटेड माना चाहेगा क्योंकि अगर रिलेटेड की डेफिनेशन आपको याद होगी तो कॉमन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ वन एंड बिजनेस रिलेटेड माना जाएगा इसलिए अगर डायरेक्टर कंपनी को दे रहा है तो इट्स अ सप्लाई इट्स अ सप्लाई मैं नहीं ये बोल रहा हूँ इसलिए चार्ट में लिखना होगा तो अगर डायरेक्टर कंपनी को दे रहा होगा ओके तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है ओके सप्लाई ऑफ सर्विस है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी तो सी सी कहता है वैल्यू ये होगी कि अगर यहाँ पे एज नो कंसिडरेशन कैन बी पेड बैक कंपनी टू डायरेक्टर डायरेक्टर को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा है तो एज पर आर बी आई मैंडेट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ओपन मार्केट वैल्यू जीरो मानी जाती है वो आर बी आई मैंडेट है और वो टैक्सेबल वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और टैक्स भी जीरो हो जाएगा लेकिन अगर डायरेक्टर जमेंट एंड कंपनी उसका रिम्यूरेशन या कंसिड्रेशन दे रही है मतलब कंपनी उसका कंसिडरेशन दे रही होगी तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा ओके okay, तो यहां पर जो वैल्यूएशन होगा ओके ये ट्वेंटी एट वन से होगा ट्वेंटी एट वन से होगा ट्वेंटी एट टू नहीं लागू होगा अगर कॉरपोरेट गारंटी होगी इफ कॉरपोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी टू बैंक और एफ आई फॉर सब्सिडरी कंपनी या एक रिलेटेड ने दूसरे से रिलेटेड को दिया तो उसका वैल्यूएशन ट्वेंटी एट टू से होगा एंड ट्वेंटी एट टू नॉट अप्लाई फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी बाय द डायरेक्टर हाँ क्या रहे ट्वेंटी एट टू हमने मैंने जो चार्ट में बताया आपको क्या बताया चार्ट में कि अगर डायरेक्टर ने दिया कंपनी को तो वहाँ ट्वेंटी एट टू अप्लीकेबल नहीं है वहाँ ट्वेंटी एट वन ही अप्लीकेबल है और उसके हिसाब से कंसिडरेशन होगा तो ओपन मार्केट वैल्यू वो लिया जाएगा नहीं होगा तो जीरो लिया जाएगा हाँ कंपनी अगर अनादर रिलेटेड कंपनी अनादर रिलेटेड कंपनी को या होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को दे रहा है तो वो केस में ट्वेंटी एट टू लगेगा तो ट्वेंटी एट टू यहाँ लगेगा बेटा यहां नहीं लगेगा ये क्लैरिफिकेशन आया और यहां पे हायर ऑफ फॉलोइंग मतलब वन परसेंट या एक्चुअल कंसिडरेशन लिया जाएगा तो ये क्लैरिफिकेशन पढ़ के जाना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद में यहाँ पे ये एक क्लैरिफिकेशन वेदर नो क्लेम बोनस अलाउड बाय इंश्योरेंस कंपनी इज अ कंसिडरेशन फॉर सप्लाय अग्रिंग टू ऑन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर और क्या ये नो क्लेम बोनस एज अ डिस्काउंट डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू में क्या फर्क होगा दोनों का मैं समझा देता हूँ ओके okay, ये अगर आप डायग्राम देखोगे तो नो क्लेम बोनस क्या होता है समझाता हूँ जैसे इंश्योरेंस कंपनी से आप जनरल इंश्योरेंस निकालते हो तो इन जैसे व्हीकल इंश्योरेंस निकालते हो स्टॉक इंश्योरेंस निकालते हो तो पहला पहले साल का प्रीमियम दस हज़ार प्लस जीएसटी जो आपने पे कर दिया लेकिन अगर आपने इसमें कोई आ, क्लेम नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर में आपको आ, के डिस्काउंट मिलता है नो क्लेम बोनस मिलता है मतलब क्या नो क्लेम बोनस ऐसा मिलता है कि नेक्स्ट ईयर प्रीमियम आपका दस होगा तो उसमें दो आपको नो क्लेम बोनस मिल जाता है और नेट प्रीमियम आपका एट हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में जब नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम आप निकालोगे तो क्या ये 2000 पे कंपनी जीएसटी पे करेगी ओके तो इन शॉर्ट पहले अगर पॉलिसी होल्डर के हिसाब से देखा जाए तो उसने कुछ न किया कुछ ओके okay, क्लेम नहीं किया तो क्या वो इसकी सर्विस मानी जाएगी कुछ न क्लेम करना इसलिए उसको 2000 के बेनिफिट मिले तो क्या इसकी सर्विस मानी जाएगी तो सीबीआईसी ने कहा नहीं वो उसकी सर्विस नहीं मानी जाएगी तो ना वो उसकी सर्विस नहीं मानी जाएगी ओके वो तो, फॉर्मुलेंस और टॉलरेंस नहीं माना जाएगा और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी जब ओके नेक्स्ट प्रीमियम से टेन टेन था, थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड का एनबीसी दे रही है तो उसको एज अ डिस्काउंट अलाउड डिडक्शन एज अ डिस्काउंट आपको स्क्रीनशॉट शॉट लेना ले सकते हो तो आपके हिसाब से वो फॉरबिडेंस नहीं है आपके ऊपर नहीं आएगा कंपनी तो okay, तो उसका डिडक्शन उसको मिलेगा ओके okay, तो ये था रिगार्डिंग टू नो okay, ये एक सर्कुलर जो आपने okay, पढ़ लेना है इसके ऊपर सवाल आ सकता है और नीचे एक सर्कुलर उन्होंने जो दिया है वो रिम्बर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Charges received by real estate company, mall, etc., for leases and occupants. Uh, electricity is a bundle with renting of immovable property or maintenance of premises. It is a composite supply and tax. प्रिंसिपल सप्लाई अगर यहाँ पे रेंटिंग बिजनेस होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपसे रेंट लिया जा रहा है और वो बंडल होगा तो मेन सप्लाई रेंटिंग होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना नॉन टैक्सेबल हो क्यों ना एग्जम्ड हो लेकिन जहाँ तक है अगर वो रेंटिंग के साथ बंडल होगा तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर ओके कंपोजिट सप्लाई में जी आ जाएगा नेचुरली बंडल में जी आ जाएगा और प्रिंसिपल सप्लाई के रेट में टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय रियल एस्टेट ओनर डेवलपर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एज अ प्योर एजेंट अगर प्योर एज अ प्योर एजेंट होगा मतलब वो बंडल नहीं किया ओनर दे रहा है या फिर सोसाइटी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कलेक्ट कर रही है या बिल्डर कलेक्ट कर रहा है और वो एज अ प्योर एजेंट कलेक्ट कर रहा है तो वो ओके okay, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा अगर वो एक्चुअल बेसिस पे चार्ज किया हो तो अगर वो बंडल में चार्ज किया होगा तो प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई होगा अगर वो सेपरेट कलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं आता है और वो एज अ प्योर एजेंट कलेक्ट किया जा रहा है तो उसके ऊपर ओके okay, वो वैल्यू से एक्सक्लूड होगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा तो ये था बेटा ओके वैल्यू ऑफ सप्लाई और इस तरह से हमने ये चैप्टर जो है ओके okay, यहाँ पे एंड किया है डन चलो तो दोस्तों आपको जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई का फटाफट क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपने सॉल्व कर लेना है फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लो ओके और यस मैं टाइम ऑफ सप्लाई का भी क्वेश्चन आपको अपलोड करके दे रहा हूँ ओके तो वो भी जैसे ही मेरा अपलोड हो जाएगा आप वो भी सॉल्व करना शुरू कर दो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन की लिंक दी है तो आपको इग्नोर नहीं करना है आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर से कहता हूँ, आप सेटिस्फाई हुए होगे आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर दीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और यहाँ पे लाइक भी कीजिएगा थैंक यू सो मच